इस्लामी खतरा। बोलना वो खास वस्फ है जो इंसान को दूसरी मखलूकात से अलग करता है। इंसान के बोलने के अमल में अक्ल व शऊर का बराए रास्त किरदार शामिल होता है। बोलने का अमल आवाज के जरिए होता है। इंसानी आवाजों की नजर आने वाली अलामतें हुरूफ कहलाती हैं। हुरूफ के कोई माने नहीं होते, हुरूफ की मदद से अल्फाज बनते हैं। लफ्ज हुरूफ का वो मजमुआ होते हैं जिसके मानी होते हैं। हुरूफ की इब्तदाई शक्ल फितरत में पाई जाने वाली अशिया थी जिन्हें पिक्टोग्राम कहा जाता है। पिक्टोग्राम की निस्बतन तरक्की याफ्ता शक्ल ग्लिफ कहलाती है। ग्लिफ हुरूफ की वो सूरतें थीं जो इंसान ने अपने तौर पर इजाद की। ग्लिफ दुनिया की इब्तदाई तहजीबों सुमेरी, बाबली, अकावी और नैनवा वगैरह में मुख्तलिफ शक्लों में इजाद की गई। इन हुरूफ की वो शक्लें भी सामने आई जो मादी अशिया के साथ साथ इंसान के तसव्वुरात की नुमाइंदगी भी करती थीं, जिन्हें आइडियोग्राम या आइडियोग्राफ कहा जाता है। इनकी एक खूबसूरत शक्ल आज भी चीनी जबान की तहरीरी सूरत में मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ साथ रफ्ता रफ्ता ग्लिफ की इन मुख्तलिफ शक्लों को यूनानियों ने उन बाजाबता हुरूफ की सूरत में ढाल दिया जिन्हें आज हम हुरूफ तहजी यानी अल्फाबेट्स कहते हैं। यूनानी जबान के पहले दो हुरूफ अल्फा और बीटा हैं जिन्हें मिलाकर अल्फाबेट्स का लफ्ज बनाया गया। ये तो है इंसान की अपनी जबान के बारे में अपनी कहानी, मगर हकीकत शायद इससे कुछ मुख्तलिफ है। असल बात यह है कि खलक अल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। और जब अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया तो यकीनन लिखना भी सिखाया ही होगा। अल्लाह ने आदम को तमाम इस्म सिखाए। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मालम यालम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो जानता ही ना था। लिहाजा ये बात तो तय है कि गुफ्तगू की सलाहियत और तहरीर करने का हुनर दोनों ही अल्लाह ने इंसान को सिखाए। इंसान की जात का एक और अहम तरीन वस्फ उसकी हिस्से जमाल यानी खूबसूरती का एहसास है। उसकी एक वजह तो वो भी हो सकती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बयान फरमाई के अल्लाहु जमीलो व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। लिहाजा अल्लाह ने मजमूई तौर पर इंसान को हिस्से जमाल अता की और इनफरादी सतह पर ज़ौक़े जमाल। इंसान की इस हिस्से जमाल ने ही उसके आम से तर्ज तहरीर को खत्ताती की खूबसूरत शक्ल में ढालने में सबसे अहम किरदार अदा किया। खत्ताती यानी कैलीग्राफी आम अंदाज में लिखी हुई तहरीर को खूबसूरत तर्ज में लिखे जाने को कहते हैं। मुसलमान मुअर्रखीन और मुफस्सरीन की मुतफ़िका राय है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्होंने खत्ताती के फ़न को ईजाद किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पहली बार अरबी जबान में खत्ताती के फ़न को अपनाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी खत्ताती के फ़न में बहुत दिलचस्पी ली और फिर रफ्ता रफ्ता उनकी की हुई खत्ताती की वजह से उस खत को हज़रत इब्राहिम के कबीले के नाम पर नबती खत यानी नबैटियन स्क्रिप्ट कहा जाने लगा। नबती खत्ताती के कुछ आसार उर्दन के पहाड़ों के गारों में दरियाफ्त हुए हैं। नबती खत बुनियादी तौर पर आरामी खत एरामिक स्क्रिप्ट की एक तरक्याफ्ता सूरत थी। आज की इस्लामी खत्ताती का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक जमाने से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नजूल वही के फौरन बाद बतौर खास किसी खुशनबीस सहाबी को याद फरमाते और नाजिल शुदा आयात कुरानी को कलमबंद फरमा देते और ये तमाम इब्तदाई किताबत खते नबती में ही हुई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कातिबी ने वही की तादाद मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक
40 के करीब बताई जाती है। लेकिन इस सिलसिले में एक अभाम भी पाया जाता है और वो ये है कि अमूमन कातिबीन वही और कातिबीन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तफरीक नहीं की जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारका में ही दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों और अशखास के नाम 123 के करीब मकतूबात भी तहरीर किए गए जो तमाम तर खते नबती में ही थे और उन खतूत के तमाम कातिब वही लोग नहीं थे जो आयात कुरानी की किताबत के लिए मामूर थे। उन खतूत के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही 57 ऐसे वसीकाजात यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी जब्त तहरीर में आए और उन तमाम की किताबत भी सिर्फ कातिबीन वही ने नहीं की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के अहद में जब कुरैश की तलावत के उसूलों के तहत कुरान हकीम के 6 या 7 नुस्खों की बाज़ाब्ता किताबत और तदवीन अमल में आई तो यही खत नबती इस्तेमाल किया गया। हज़रत अली करमल्ला वजह के अहद में जब दारुल खिलाफा मदीना से कूफा मुंतकिल हुआ तो इस्लामी फ़न खत्ताती का एक नया दौर शुरू हुआ। नबती खत से निकले हुए खत हुमैरी और फतेह हीरी में इस्लाहात हुई, उनमें जमालियाती नुक्ता नज़र से तब्दीलियां अमल में आई और यूं 60 हिजरी में खलील बिन अहमद बसरी ने वो खत ईजाद किया जो आज फतेह कूफी के नाम से मारूफ है। दमिश्क के अजायब घर में कुरान हकीम के खते कूफी में किताबत शुदा 2 ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जिन्हें हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के नाम से मंसूब किया जाता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से फ़नून लतीफ़ा यानी फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से मौसीकी और मुसव्वरी के हराम व हलाल होने के बारे में कोई बात बहरहाल हतमी तौर पर तयशुदा नहीं है, लेकिन ये बात एक तारीखी हकीकत है कि इस्लाम का ज़हूर व ज़वाल तहजीब के एक कायनाती लम्हे में हुआ था और ये ज़हूर एक ऐसे इलाके में हुआ था जो उस वक्त की इंसानी तहजीबों और मज़ाहिब के दायरे के ऐन दरमियान में एक तहजीबी खला की सूरत में था। इस्लाम के पास तहजीबी मवाद सिर्फ एक था और वो था लफ्ज़। ज़बान के अलावा अरबों के पास और कोई तहजीबी सरमाया मौजूद नहीं था, ना फन तामीर की कोई रिवायत और ना ही मौसीकी और मुसव्वरी का कोई सकाफती विरसा। इन हालात में मुसलमानों की जमालियाती हिस ने अगर फन खताती को ही अपने इजहार के लिए मुंतखब किया तो ये कोई अनोखी वारदात नहीं है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुसलमानों ने फन खताती को जिस बामे उरूज तक पहुंचाया उसकी मिसाल दुनिया की किसी और तहजीब या मजहब में नहीं मिलती और उनके इस कारनामे में बुनियादी किरदार कुरान हकीम की किताबत ने अदा किया। इस्लामी फन खताती में राइज खतूत को 2 अहम हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक किस्म ज्योमेट्री के नुक्ते नजर से है जिसमें खत कूफी और उसकी मुख्तलिफ इकसाम को शुमार किया जाता है और दूसरी किस्म कर्सिव स्क्रिप्ट की है जिसमें हरूफ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस किस्म में खत नस्ख, खत रुका, खत सुलुस, खत दीवानी और दीगर बहुत से खतूत शामिल किए जाते हैं। खत कूफी की ये खसूसियत है कि यह बुनियादी तौर पर ज्योमेट्री की बुनियादों पर तश्कील पाता है, इसलिए नहायत वाज़े, खूबसूरत और नुमाया हरूफ की सूरत में लिखा जाता है। यही वजह है कि खत कूफी का इस्तेमाल इस्लामी तामीरात में भी कसरत से हुआ है और होता है। इस्लामी खत्ताती में सबसे पहला नुमाया नाम इब्ने मकला शराजी का आता है जो फन खत्ताती के लिहाज से एक गैर मामूली फनकार था। खत नस्ख की इजाद उसी की जहनी इख्तरा है। अरबी जबान के लफ्ज़ नस्ख का मतलब ख़त्म करना या मनसूख करना है। खत नस्ख को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसकी वजह से इससे पहले के राइज 14 से ज़्यादा खतूत मनसूख हो गए। खत नस्ख दरअसल खत सुलुस में बहुत सी तब्दीलियां करके बनाया गया था। खत नस्ख को लिखने के लिए एक नहायत ही बारीक और नफीस किस्म का कलम इस्तेमाल किया जाता है जिसे कावा पेन कहते हैं। खत नस्ख को अगर एक माहिर
और तख्लीकी खुशनवीस मिल जाए तो इसकी मदद से मुसव्विराना खत्ताती के शाहकार तख्लीक किए जा सकते हैं और तख्लीक किए गए हैं। खत नस को एक और फारसी खत तालीक से मिलाकर खत नस्तालीक ईजाद किया गया, जो आज उर्दू जबान की कंप्यूटर किताबत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 11वीं सदी हिजरी में ईजाद होने वाला एक और मारूफ खत खत सुलुस कहलाता है। यह खत खत कूफी की सादा और उफकी लाइनों को पेचुखम देकर बनाया गया है। खत सुलुस में हर हर्फ के एक तिहाई हिस्से को हम दिया जाता है, यही इसको सुलुस कहलाने की वजह भी है। खत सुलुस सल्तनत उस्मानिया के जमाने में तीन मुख्तलिफ मराहिल तय करके वजूद में आया था। आर्ट और फनून के माहिरीन खत सुलुस की ईजाद को खत्ताती के फन में एक बड़े इनकलाब का नाम देते हैं। इस इनकलाब का पहला मरहला 15वीं सदी ईस्वी में शेख हम्मादुल्ला की खत्ताती के शाहकार सामने आना कहलाता है। दूसरा मरहला हाफिज उस्मान जैसे नाबगा खत्तात के शाहकारों की आमद था और तीसरा मरहला मोहम्मद सीव की आफंदी की खत्ताती की वजह से नमूदार हुआ। इस्लामी फन खत्ताती में तख्लीकी जहतों का इस कदर तनव्वो मौजूद है कि उसके तमाम पहलुओं का जायजा एक वक्त में नहीं लिया जा सकता। इसलिए हम ना तो तमाम खतूत का तारुफ करवा रहे हैं और ना ही तमाम काबिल जिक्र खुशनवीस फनकारों का तस्करा करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। बरसगीर पाक हिंद में तस्कराए खुशनवीसा बहुत तवील है। मुगल बादशाहों ने अपने 450 साल दौरे हुकूमत में इस्लामी उलूम की तरफ तो जरा सी भी तवज्जो ना दी, मगर औलिया किराम की वजह से इस खित्ते में इस्लाम को जो फरोग हासिल हुआ उसके सबब यहाँ इस्लामी खत्ताती को बहरहाल बहुत तरक्की मिली। हाँ, अलबत्ता मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की एक खास वजह शोहरत उनका कुरान हकीम की किताबत के जरिए अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करना था। हम इस मुख्तसर से वक्त में आलम इस्लाम तो खैर बहुत बड़ी बात है, सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े खुशनवीसों का भी जिक्र नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में खत्ताती की तारीख के इब्तदाई दौर में मुंशी ताजुद्दीन का नाम अहम तरीन है। मोहम्मद सिद्दीक अलमास रकम उनके बाद एक काबिल जिक्र नाम है। हाफिज मोहम्मद यूसुफ सदीदी को उस्ताद हफ्त कलम होने का शर्फ हासिल है। सैयद अनवार हुसैन नफीस रकम पाकिस्तान में इस्लामी खत्ताती के एक दरख्शां सितारे थे। सूफी खुर्शीद आलम खुर्शीद रकम का नाम लिए बगैर पाकिस्तान में खत्ताती की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। एम शरीफ ने भी फन खत्ताती को नई नई जहतों से आशना किया। इबन कलीम ने खत राना ईजाद करके पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में एक नामवर खत्तात के तौर पर खुद को मनवाया। रशीद भट्ट पाकिस्तान के उन नामवर खत्तातों में से हैं जिन्होंने बैन-अल-अक़वामी सतह पर अपने फ़न पर पजीराई हासिल की। अबू बकर सिद्दीक असर हाजिर के तकाजों के तनाजुर में अपनी खुशनवीसी के फन को नए नए जावियों से आश्कार करने में मसरूफ। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लातादाद इज्जतें अता की हैं। इन्हीं एजाजात में हमें अल्लाह ताला ने यह शर्त भी बख्शा कि हमारे एक खुशनवीस शफीकुज़्ज़मा फारूकी साहब मस्जिद नबवी की तामीर नौ में होने वाली खत्ताती के लिए एक बैन-अल-अक़वामी मुकाबले के बाद मुंतखब किए गए और अब वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के रंगों की मदद से उजागर कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिला। खत्ताती ज़ौक व अकीदत की यकजाई के सबब मुस्लिम मुआशरों का सबसे मोतबर और मुस्तनद फन है। इस फन को सदियों से कोई ऐसा साहिब दिल और नज़र मैसर ना आ सका जो इसके मरवज्जा कवायद जवाबित को फैलान कर इसकी सूरी और जमालियाती जहतों में नए इम्कान का खोज लगा सके। ये मनसब शायद सातकैन के हाथ इसलिए आया कि उनकी फनी तरबियत का मुहावरा दूसरा था और उन्होंने मुसव्वरी के बुनियादी अज्जा की माहियत और तरकीब व तरतीब पर कुदरत हासिल करने के बाद खत्ताती की तरफ रुजू किया। सातकैन ने कलम उठाया, सबसे पहले मरवज्जा खत्ताती के कवायद जवाबित पर अलखत लिखा, फिर लफ्ज़ की बजाय हर्फ को तहरीर की अकाई करार दिया। उसके बाद
हर्फ को बाहम दिगर पहचान और अल्फाज को एक दूसरे से हम आगोश बनाकर जिला और किफ़ायत की जो नई सूरतें ईजाद की हैं वो ना सिर्फ हुस्न रानाई में दीदा जेब हैं बल्कि बेहतरीन हैं। यूं ये कहा जा सकता है कि सातकैन का फ़न इस्लामी फ़न खत्ताती की निशात सानिया है और अब पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में जो मुसव्विराना खत्ताती हो रही है वो सातकैन के ईजाद करदा फ़न की ही वसत है।